और अखिलेश भैया, तुम यहाँ पर बैठे बैठे मोदी जी के किस्से कहानी सुन रहे हो। अरे वहाँ पर तुम्हारी बाई तुम्हारा रास्ता देख रही है। तुमसे शक्कर बुलाई थी दुकान से चाय के लिए, पहले शक्कर तो देकर आ जाओ। अरे राहुल भैया, शक्कर को मारो गोली, यहाँ मोदी जी क्या गजब का किस्सा सुना रहे हैं। सुनो तो सही, तुम्हारा भी पेट फूल जाएगा हंस हंस के। सुनाओ मोदी जी। मोदी जी किस्सा शुरू से सुनाओ। राहुल भैया अभी अभी आया है तो उसको भी मालूम पड़े कि किस्सा कहाँ से शुरू हुआ है। हाँ तो भैया, हो एक पुराने समय का किस्सा है। एक गांव था, उस गांव में एक अलसी राम नाम का एक आदमी रहता था। अलसी राम उसका नाम तो था, पर वह सचमुच का भी अलसी था। मोदी जी, क्या एक गांव में एक ही आदमी रहता था क्या? बाकी आदमी सब क्या तीर्थ यात्रा पर गए थे क्या? अरे अभी खिचड़ी पकी कि नहीं कि चूल्हे से आग सभी बुझाने लगे। मेरे कहने का मतलब कि मोदी जी ने किस्सा शुरू ही नहीं किया और टोकने लगे बीच में। ओबीसी जी पहले किस्सा तो सुन लो, फिर बाद में पूछ लेना। शुरू करो मोदी जी। अलसी राम सचमुच का एक अलसी आदमी था। वो आदमी काम वाम कुछ नहीं करता था तो भूखा ज्यादा मरता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर तो गियो, यानी कि वो अलसी राम मर गया होगा। राहुल भैया सुनो तो सही कि किस्से में आगे क्या हो रहा है। अभी से मार दिया अलसी राम को तो कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। सुनाओ मोदी जी आगे क्या हुआ। ऐसा हुआ एक दिन कि वो अलसी राम 4-5 दिन से भूखा था तो वह घर में जोर जोर से रो रहा था, तो गांव वालों ने उसको जंगल में भगा दिया। तो वह जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगा, पर उसके रोने की आवाज सुनकर वहां पर भोलेनाथ आ गए। क्या बात करते हो मोदी जी, भगवान तो रात दिन साधु संत तपस्या करते हैं उनको नहीं मिलते, और अलसी राम जोर जोर से रोने लगा तो उसको भगवान जी ने दर्शन दे दिए। योगी जी एक काम करो, तुम रोना चालू कर दो, तुमको भी भगवान मिल जाएंगे। क्यों बीच में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, किस्सा सुनो ध्यान से। सुनाओ मोदी जी। तो वहाँ पर भोलेनाथ आ गए और अलसी राम से पूछे कि भैया क्या हुआ, जंगल में यहाँ क्यों रो रहे हो जोर जोर से। तो अलसी राम ने कहा, क्या करूँ भगवान, 4-5 दिन से भूखा हूँ तो भूख के कारण रो रहा हूँ। भोलेनाथ जी आप ही कुछ खाने को दे दो। तो भोलेनाथ ने उसे एक मटका दे दिया और भोलेनाथ वहाँ से चले गए। अलसी राम ने जैसे ही मटके में देखा, क्या मोदी जी अलसी राम को मटके में पानी मिला क्या? नहीं ओबीसी जी, मटके में पानी नहीं था, उसमें एक मोतीचूर का लड्डू था। तो अलसी राम ने भोलेनाथ भगवान से कहा मन ही मन में कि क्या भोलेनाथ भगवान जी, आप ही वहाँ कंजूस निकले, एक ही लड्डू दिया, अरे एक लड्डू में क्या होगा, एक लड्डू तो मेरे दांत में ही लग जाएगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। ऐसा कहकर उसने मटके में हाथ डाला और वो मोतीचूर का लड्डू उठाकर खा लिया। फिर उसने सोचा कि लड्डू का कहीं छिलका मिलका रह गया होगा एक आध दाना। तो उसने फिर मटके में देखा तो मटके में उसको फिर से एक लड्डू दिखा, तो उसने उसको उठाया और उसको भी खा लिया। इसके बाद उसने फिर देखा मटके में, तो उसमें फिर एक लड्डू दिखा तो उसको भी खा लिया। ऐसा कर करके उसने पेट भर के लड्डू खा लिए और मटके को लेकर घर आ गया। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया, लगभग 8-15 दिन हो गए। वह बेचारा अलसी राम लड्डू खा खा कर किचवा गया। तो अलसी राम ने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं मैं गांव वालों को भंडारा जिमा दूं। तो उसने पूरे गांव में भंडारे का निमंत्रण दे आया कि कल सब लोग मेरे घर आना और भंडारा खाना। तो गांव वालों ने सोचा कि अलसी राम खुद तो भूखा रहता है, अपने को क्या भंडारा खिलाएगा। पर गांव वालों ने सोचा कि चलो जाकर देखते तो हैं, अरे नहीं कहीं खाने को मिलेगा तो कम से कम उसकी हंसी मजाक ही उड़ा कर आ जाएंगे। तो सब गांव वाले अगले दिन उसके घर भंडारा खाने गए। तो अलसी राम ने भैया गांव का जो सबसे बड़ा पटेल था उसके खले में सबको जिमाने के लिए बुला लिया और सबको वहां पर लड्डू खिलाए। तो सभी गांव वाले खुश हो गए और अलसी राम की वाहवाही करते हुए घर चले गए। अब अलसी राम भी बेचारा लड्डू खा खा कर किचवा गया था कि कहाँ तक मीठा खाए, मटके में से लड्डू खत्म ही नहीं होते थे। तो फिर अलसी राम मटका लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर फिर से जोर जोर से रोने लगा। फिर उसके रोने की आवाज सुनकर भोलेनाथ वहां पर आ गए और बोले कि अब क्या चाहिए। तो अलसी राम ने कहा कि हे भगवान, मैं तो मीठा खा खा कर किचवा गया हूँ, तो कहीं चरखा फरका खाने को दे दो। भोलेनाथ ने अब मटके में सब्जी पूरी रख दी और वहां से चले गए। अलसी राम ने वहां पर सब्जी पूरी खूब पेट भर के खाई और मटके को लेकर अपने घर आ गया। और ऐसे ही कुछ दिनों तक अलसी राम ने खूब पेट भर कर सब्जी पूरी खाई। इसके बाद फिर वह सब्जी पूरी खा खा कर भी किचवा गया। तो वह फिर जंगल में गया और जोर जोर से रोने लगा। पर इस बार तो उसके साथ अद्भुत चमत्कार हुआ। मोदी जी उसके बाप की छेवनी गली थी जो उसको खाने के लिए नई नई चीज मिल जाती थी। अद्भुत चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि भोलेनाथ उस अलसी राम के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर आ गए और बोले कि भैया अजीब मुसीबत मैंने मोल ले ली, आप क्या बात है। अरे तो ये मुसीबत मोल क्यों ले रहे थे, इस बार अलसी राम को मना कर देते। अलसी राम तो लालची हो गया था खाने का।
अरे भैया योगी जी तुम ही सुना दोगे कि मोदी जी को भी सुनाने दोगे? जल्दी बताओ आगे क्या हुआ मोदी जी इस बार? इस बार अलसी राम ने कहा कि भगवान मैं तो ये चरखे फरके से भी खिंचवा गया हूँ, मीठे से भी खिंचवा गया हूँ, कुछ अजीब टाइप का खाना दो जिससे कि मेरी तबीयत हरी भरी हो जाए। तो भोलेनाथ ने इस बार मटके में क्या मोदी जी इस बार भोलेनाथ ने मटके में मुर्गा दारू रख दिया क्या खाने के लिए? ओबीसी जी तुमको बड़ी पड़ी है मुर्गा दारू खाने की, आगे बताओ मोदी जी तुम तो मटके में इस बार क्या रखा? इस बार मटके में भोलेनाथ भगवान ने धक्का मुक्की रख दिया और वहाँ से चले गए। ये धक्का मुक्की क्या है, बहुत स्वादिष्ट लगता है क्या? नहीं राहुल भैया, धक्का मुक्की का मतलब होता है धक्का यानी कि धक्का देना, मुक्का यानी कि मुक्का मारना। अलसी राम ने जैसे ही भोलेनाथ वहाँ से चले गए, अलसी राम ने झट से मटके में हाथ डाला तो उसमें से धक्का मुक्की निकले। धक्का इधर से अलसी राम को धक्का देता, उधर से मुक्का अलसी राम को मुक्का देता। ऐसे कर करके धक्का मुक्की ने उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। अलसी राम ने वहीं पर पड़े पड़े फिर विचार किया कि इस बार मैं गांव वालों को ये धक्का मुक्की जिमाता हूँ। अगले दिन अलसी राम ने पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे आया कि इस बार मैं फिर से भंडारा करा रहा हूँ। तो गांव वालों ने सोचा कि भैया अगले बार तो अलसी राम ने लड्डू दिए थे भंडारे में, तो इस बार तो कुछ अच्छा ही माल देगा। तो भैया गांव वाले हों जो अपने अपने रिश्तेदार घर गए हुए थे, वो भी भैया झट से शाम को आ गए और साथ में अपने रिश्तेदारों को भी बुला लाए, भैया इस बार हमारे गांव में बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है तो भैया आप भी चलो। और अगले दिन भैया गांव वाले सब जिमने के लिए आ गए और उनके रिश्तेदार भी आ गए जिमने के लिए। भैया इस बार अलसी राम ने गांव का जो सबसे बड़ा पटेल था उसकी पाएगा ली। मोदी जी ये पाएगा क्या होती है? अरे भैया योगी जी जिसमें ढोर को बांधते हैं उसको पाएगा बोलते हैं। अलसी राम ने भैया बड़े पटेल की सबसे बड़ी पाएगा ली और उस पाएगा में सभी गांव वालों को बिठा दिया जिमने के लिए। और अलसी राम ने भैया अपने घर से मटका लाया और मटके को अंदर रख दिया और अलसी राम भैया धीरे से चुपके से बाहर आ गया और पाएगा का दरवाजा बंद कर दिया। और भैया मटके में से धक्का मुक्की निकले तो पूरे गांव वालों को धक्का इधर से धक्का दे, मुक्का उधर से मुक्का मारे, फिर इधर से धक्का दे, उधर से फिर मुक्का मारे। ऐसे करते करते पूरे गांव वालों की हालत खराब कर दी। उधर से गांव वाले भैया उन चिल्लाए पाएगा के अंदर से कि भैया अलसी राम दरवाजा खोल दे, हमको नहीं जिमना है। अरे भैया यहाँ तो बहुत मार पड़ रही है, अरे यहाँ पर तो धक्का धक्का जोर से धक्का दे रहा है और मुक्का बहुत जोर से मार रहा है, पर भैया अलसी राम ने दरवाजा नहीं खोला। इधर बाहर से ही अलसी राम ने कहा कि गांव वाले भैया हो तुमको खाने में मजा तो आ रही है ना, तुम्हारी तबीयत तो हरी हो रही है ना। उधर भैया पाएगा के अंदर गांव वाले खूब जोर जैसे चिल्लाए क्योंकि उधर भैया धक्का मुक्की अपना काम कर रहे थे, धक्का जोर से धक्का दे रहा था, मुक्का बहुत जोर से मुक्का मार रहा था। ऐसा करते करते भैया एक घंटा हो गया, सब गांव वालों की हालत खराब कर दी, सब गांव वाले वहां पर आड़े हो गए। इसके बाद भैया अलसी राम ने दरवाजा खोला और भैया वहां से एक एक करके धीरे धीरे गांव वाले निकलने लगे। बेचारा कहीं का लंगड़ा चले तो कहीं का लूला चले। इधर से अलसी राम पूछ रहा था भैया खाने में मजा आया कि नहीं, तो भैया सब गांव वाले यही बोलते जा रहे थे भैया अब तो हम कभी अपनी जिंदगी में भी भंडारा खाने नहीं आएंगे। और सब गांव वाले भैया करांचते करांचते अपने अपने घर चले गए और किस्सा खत्म। मोदी जी किस्सा तो बहुत अजीब था पर मस्त लगा। भाइयों आपको मोदी जी का किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोलेनाथ सबके साथ।